नमस्कार, आप देख रहे हैं पांच पर अगना खबर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। पंच परगना खबर अखबार के संपादक आशीष कुमार प्रमाणिक ने रांची जिला के बुंडू प्रखंड के कांची पंचायत भवन में 13 अगस्त को अचानक पहुंचे। पंचायत भवन में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का कार्य जोर शोर से चल रहा था, लेकिन केवल एक ही सीएचसी संचालक काम पर लगे थे। सीएचसी के टेबल में फॉर्म पड़ा हुआ था। सीएचसी सहदेव मुंडा से बात करने पर उन्होंने बताया कि इंटरनेट और वेबसाइट की प्रॉब्लम के कारण रुक रुक कर फॉर्म सबमिट हो पा रहा है, इसलिए सभी आवेदकों को हाथों हाथ पावती रसीद नहीं मिल रही, आवेदन छोड़ना पड़ रहा है। आपका नाम क्या हुआ? सहदेव मुंडा। क्या कर रहे हैं? सीएचसी वाले। आप अकेले हैं? हाँ। यहाँ कितने लोगों को रहना चाहिए था? छह आदमी। और अभी तक कितना काम निपटा लिया है? 400-500 कर दिए थे। बाकी कितना पेंडिंग है? पेंडिंग जो अभी है होगा। कितना होगा लगभग? 100। बाकी लोग यहाँ पर अनुपस्थित हैं, क्या उन लोगों को क्या रहना चाहिए था? कुछ परेशानी भी हो रही है यहाँ काम करने में, बाकी लोगों का जो पावती रसीद जो मिलना चाहिए वो तत्काल मिल रहा है या फिर कुछ डिले हो रहा है, लेट हो रहा है? डिले हो रहा है, जैसे काम आता था ना, जैसे आ रहा है तो लगातार काम होते हैं। आज कौन सा तारीख हुआ? 13। लगभग कितना समय हो रहा है अभी? 2 बजे रहा। का नाम है? डॉक्टर संजय। कौन गाँव? वसंदी। कांची भवन आ रहे हैं? हाँ। का फार्म लेकर? सर मैया योजना। वो फॉर्म भर ले? कब भरा लो? ऐसे दिने रसीद मिल लो? नहीं मिल। का कह लो? वो काइल हो जाए। काइल हो जाए कह लो। आज जमा कब है? आज ही कर दो। आज ही आ काइल रसीद देमु कहे? मैं फोन कर लेमु कहे। अच्छा, तो केकर भर देले घर के? घर के मोर घर वाली के। तोर आज केना? यह जानकारी मिली कि कांची पंचायत भवन में 6 सीएचसी संचालक नियुक्त है। सभी के पास कंप्यूटर स्कैनर मशीन के साथ भवन में बैठना है और आवेदकों का फॉर्म जमा लेकर आगे का कार्य करना है। संपादक दोपहर को कांची पंचायत भवन अचानक पहुंचे थे। कुछ देर के बाद एक और सीएचसी संचालक पहुंचे और बताया कि लंच में वो गए हुए थे। इस कांची पंचायत भवन में आप नहीं थे, अभी आ रहे हैं? खाना खाने गए थे। यहाँ क्या करते हैं? ऑनलाइन का काम करते हैं। अभी क्या ऑनलाइन हो रहा है? महिला वाला मैं समझ में। आज दिन भर में कितना किए हैं? आज ये सुबह सुबह किए थे। कितना? भैया को दिए थे 13 बजे जमा यहाँ से करके, और अभी सुबह को तो खाना खाने ये उसके बाद खाना खाने गए थे, फिर बाद में नहीं किए थे। यहाँ कितने जो इस योजना के लिए जो काम कर रहे हैं कितने लोग रहते हैं? ऑपरेटर सब? ऑपरेटर सब 4 रहते हैं यहाँ पर। तो अभी ऑपरेटर हैं आप भी? हाँ भाई, भैया का आईडी चलता है ना, तो उसमें हम ऑपरेटर के लिए। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग खाना खाने गए होंगे। हम लोग भी खाना खाने गए हैं। अभी कितना टाइम हो रहा है? 2 बज रहा है। 2 बज रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा गंभीर मुंडा हुआ। यहाँ कांची भवन में आप क्या करते हैं? कांची पंचायत भवन में यहाँ पर जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है। हम यहाँ पर आए थे तो उस समय आप नहीं थे। कारण ये थे कि हम 10 बजे से लेकर 5 बजे यहाँ ड्यूटी हम रहते हैं, तो बीच में दोपहर का जो भोजन होता है वो भोजन के लिए हम चले गए थे, तो उस टाइम हम चले गए। उसके बाद फिर हम अपने काम में आगे यहाँ पर। यहाँ कितने लोगों को यहाँ पर ऑथराइजेशन है जो यहाँ पर काम करते हैं? एक्चुअली यहाँ पर 6 लोगों को ऑथराइज किया गया है सीएससी, उसमें से अभी हम लोग कार्यरत अभी तो 2 हैं, लेकिन बीच बीच में एक दिनेशर मुंडा है, गोविंद मुंडा और सुजीत और वीरेंद्र, तो मेरा इसमें पूरा योगदान रहा है जब से स्टार्ट हुआ, यानी 3 तारीख से लेकर आज आपका 13 तारीख हो गया, मेरा एक दिन भी एब्सेंट नहीं हुआ है। इसमें मेरा सोच भी है कि जब पंचायत स्तर में इस तरह का कार्यक्रम होने जा रहा है तो मेरा भी सोच है कि सभी का फॉर्म अप्लाई हो जाए और
जिससे कि अभी जो खेती बाड़ी सीजन है तो काफ़ी महिला लोग आके फॉर्म जमा दे देती है, लेकिन थोड़ा सा सर्वर काफ़ी डाउन होने के कारण हम लोग पूरा काम भी नहीं कर पा रहे हैं। 3 तारीख से आज तक का मेरा लगभग 100 बेनिफिशरी का हो गया है। समस्या ये है कि यहाँ जब महिला लोग आती है फॉर्म जमा करने के लिए तो यहाँ काफ़ी नेट का बहुत समस्या है, साइट बहुत स्लो चलता है, काम होता ही नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब महिला लोग फॉर्म जमा दे के चली जाती है, ये भी तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि महिला लोग कि फॉर्म नहीं लेंगे। बात यह है कि हम लोग बीच बीच में अगर सर्वर खुल जाता तो हम लोग एंट्री जितना हो सके हम लोग कर लेते हैं, और अगर समय मिल जाता है हम लोग के पास, अगर फॉर्म जमा हो जाता है तो हम लोग रात में भी 10, 11, 12, 2 बजे तक काम कर लेते हैं। नेट के साथ साथ और भी कोई असुविधा है? हाँ, नेट के साथ साथ समस्या है, क्या कि बीच बीच में हमेशा लाइट दिन भर में 2-3 घंटा ही लाइट रहती है, उसके बाद भवन में तो यहाँ पर जनरेटर का भी सुविधा है। हाँ, सुविधा है, लेकिन किसी नहीं चला जाता, नहीं अभी चल रहा है। यहाँ जो लाभ लेने के लिए आते हैं उन लोगों को हाथ में ही पावती रसीद प्राप्त होती है कि उन लोगों को 1-2 दिन के बाद में दिया जाता है? नहीं, एक्चुअली अगर साइट खुलता है तो हम लोग जब एंट्री करते हैं तो तुरंत साथ साथ ही पावती रसीद हम लोग देते हैं, और अगर साइट नहीं खुलता तो मान लिया कि हम लोग शाम में भी काम करते हैं तो उसको दूसरा दिन हम लोग पावती रसीद फोन करके बुला के हम लोग दे देते हैं। यहाँ पर जो आप लोगों का जो समय सीमा है क्या है आने और जाने का? समय सीमा हम लोग का ऐसे एक्चुअली अभी तक हम लोग 10 से 5 बैठते हैं, लेकिन सर्वर अगर नहीं होता है, साइट नहीं खुलता है, तो हम लोग फिर 10 से 5 के अलावा हम लोग 8-10 इस तरह का समय में बैठ के हम लोग एंट्री करते हैं। हालांकि संपादक ने कांची पंचायत के मुखिया नारायण उराव और पंचायत सचिव कांची प्रिय कुमारी और बुंदु बीडीओ से फोन के माध्यम से संपर्क की और जानकारी ली। सभी सीएचसी संचालक कांची पंचायत भवन में मौजूद क्यों नहीं है, इसमें बीजो द्वारा जांच करने की बात कही गई। सबसे बड़ी बात यह है कि पंचायत भवन में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, बार बार बिजली चली जाती है। यदि भवन में एक जनरेटर है तो वो खराब पड़ा हुआ है। सीएसए संचालकों ने बताया कि मैया योजना का वेबसाइट में रुक रुक कर काम होता है, इसलिए आवेदकों को बहुत परेशानी हो रही है। घंटों देर बैठने के बाद भी मैया योजना का फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा। मतलब अभी जिन लोगों का आप काम करते रहते हैं इंटरनेट से, अभी क्या परेशानी हुआ इसमें? देखिए, हम लोग का साइट मतलब दूसरे उसका आधार नंबर डाल दिया, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ जिला चूज करने का है तो अभी जिला नहीं खुल रहा है अभी हम लोग का, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग का डिले होता है, लेट होता है, आ नहीं रहा है, अभी खुल नहीं रहा, नहीं खुल रहा। तो इसमें इन लोगों का काम रुक गया है? हाँ, काम रुक गया अभी इसमें। हाँ, तो इसमें सुधार, इसमें जो प्रॉब्लम जो है ये सुधार कब होगा? तो ये तो प्रोसेसर वैसे ही होगा, ठीक है, क्योंकि इधर से तो हम जितना करने का था कर रहे हैं। हाँ, तो अभी जो है कि आप जो अभी काम कर रहे थे, महिला लोग आए हुए थे तो इन लोग को अभी खड़ा होना पड़ रहा है? हाँ, खड़ा होना पड़ रहा है। अगर आपका यहाँ पर नेट का सुविधा अगर बढ़िया से हो जाए तो कितना देर तक उन लोगों को प्राप्त हो जाता है पावती रसीद? उन लोगों को 5 मिनट में हो जाएगा। आपका नाम क्या हुआ? प्रिया कुमारी। आप पे कांची भवन आप पहुँचे हैं? हाँ। क्या करने? फॉर्म जमा करने, योजना वाला। हो पाया? अभी नहीं हो रहा है। आप कितना देर से बैठे हुए हैं? अभी 1 घंटा हो गया। और क्या प्रॉब्लम बताया जा रहा है? सर्वे डाउन है, नहीं हो रहा है, इसीलिए 1 घंटा से बैठे हुए हैं। हाँ। कुछ काम नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है अभी। का नाम हो लगता है? अगर मधुमती देवी। का करे आया? फॉर्म जमा करे आई ऑनलाइन। कांची पंचायत भवन के बुंडू। तो तोरे घर हो लोग? नहीं है। का प्रॉब्लम होते है? समस्या का कहते नेट में कोई दिक्कत है? कितना खन तो कहा? दो घंटा तो हो लो, लेकिन इतना तक नहीं है। कांची पंचायत के उप मुखिया अजय मुंडा ने बताया कि इंटरनेट की प्रॉब्लम के चलते सबको पावती रसीद नहीं मिलती है, दूसरे दिन आना पड़ता है। उप मुखिया जी बताइए कि यहाँ जो सरकार के द्वारा में जो मैया योजना का जो लोग लाभ लेने के लिए आ रहे हैं उनको क्या क्या परेशानियाँ हो रही है? यहाँ पे समस्याएं हैं, 3 तारीख से शुरू हुआ था, 3-4-5 तक तो आपका सर्वर डाउन रहा, लगातार सर्वर डाउन रहा,
उसके बाद अगर बीच में खुला तो एक दो दिन ही खुला, वो भी बहुत कम समय में खुला, मतलब खुल रहा है फिर बंद हो जा रहा है, खुल रहा बंद हो जा रहा है, ये सब का समस्या झेलना पड़ा महिलाओं लोगों को। हम लोग को भी अच्छा नहीं लगा कि हम लोग भी देख रहे थे कि महिलाएं लोग आ रही है दूर दूर से। हम लोग का काशी पंचायत में आपका न्यूरी हो गया, भाभरी हो गया, बावाडी हो गया, उतना दूर से आ रही है पैदल पैदल, वो लोगों का नहीं हो रहा तो ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते थे। नेट का भी और वो लाइट का भी प्रॉब्लम है, और यहाँ पर एक डीजे भी है, जो डीजे का भी हमको लगता है कि जो बताया जा रहा है उसमें कभी चालू नहीं हो पा रहा है। डीजे यहाँ आने के बाद हम तो एक बार चालू नहीं देखे। कल परसों 3 तारीख को मुखिया जी से बात हुई थी, बोल रहे थे कि बनवा दिए हैं, तो ये तो डीजे है आपका सेल्फ स्टार्ट वाला है। हम मिस्त्री को हम लगातार आ रहे हैं 3 तारीख से, मिस्त्री को हम कभी अपना आँख से नहीं देखे, और बोलते हैं कि बनवा दिए हैं तो देख तो रहे हैं, लेकिन उसमें बैटरी हमको नज़र नहीं आ रहा। अगर डीजे अगर बनवा दिए हैं तो ये तो सेल्फ स्टार्ट वाली है, अगर इसका बैटरी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, बना नहीं बना कोई फायदा नहीं है, बैटरी ही नहीं है, इसमें हैंडल है ना कुछ है। यहाँ पर सबको कहते हैं कि हम जाएंगे पंचायत भवन तो ऑफलाइन से जमा होगा, तो यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि जब तक यहाँ पर नेट नहीं चल रहा होगा या फिर लाइट नहीं है तो फिर ऑफलाइन का तो कहाँ सवाल है। ऑफलाइन तो आके जैसे महिला लोग दे रही है, हम भी सुने थे कि नहीं ऑफलाइन ही जमा हो रहा है, और ऑफलाइन तो दे के जा रही है महिला लोग, अब देने के बाद यहाँ ये लोग क्या करेंगे ऑपरेटर लोग, नेट ही नहीं चल रहा। काम ऑनलाइन के तहत ही होता है, नाम खाली ऑफलाइन है। हाँ यही ना, जब तक आपके पास में सिस्टम नहीं खुलेगा तब तक तो काम होगी नहीं, जब सिस्टम से काम ही नहीं होगा तो उसका ऑफलाइन का कहना भी तो सही नहीं है। सही नहीं, तो इसीलिए देखिए हम देख रहे हैं इतना सारा फॉर्म जमा हो चुका है कि हम काम ही नहीं कर पा रहे हैं, काम कैसे करेंगे, नेट नहीं चल रहा है, साइट भी खुलने साइट भी नहीं खुल रहा है। जानकारी होगा कि झारखंड में पहली बार मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू हुआ है, जिसमें हर लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 1,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसको लेकर महिलाएं मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए अपने अपने क्षेत्र के पंचायत भवन प्रखंड कार्यालय में फॉर्म भर रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए 5 पर अगला खबर। नमस्कार।